खबरों की माने तो सलमान खान बहुत जल्द नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर निशिकांत कामत की मराठी फिल्म लाल भारी में नजर आएंगे। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म में सलमान एक केमियो रोल प्ले कर रहे हैं और रितेश देशमुख इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जूम ने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि दीपिका पादुकोण करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आएंगे, लेकिन अब लगता है कि दीपिका इस फिल्म से अपना नाम वापस लेने की सोच रही है। दरअसल दीपिका के करीबियों का कहना है कि दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट पर अब भी काम चल रहा है और हो सकता है इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू न हो पाए। ऐसे में इस फिल्म के डेट्स दीपिका की दूसरी फिल्म से क्लैश हो सकते हैं, इसलिए दीपिका इस फिल्म से अपना नाम वापस लेने की सोच रही है। चेन्नई एक्सप्रेस ने इंडियन सिनेमा में एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है बाय अर्निंग 100 करोड़ इन जस्ट 4 डेज। सोर्सेज की माने तो शाहरुख फिल्म हैज मैनेज्ड टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इंटरनेशनली। इस फिल्म को द फास्टेस्ट 100 करोड़ अर्नर बताया जा रहा है।